औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? प्यारे बच्चों, हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1, फंक्शंस एंड लिमिट्स से रिलेटेड एक्सरसाइज 1.1। आज इस एक्सरसाइज का लेक्चर नंबर 8 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में सबसे पहली चीज़ इवन फंक्शन। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने फंक्शंस को डिस्कस किया, फंक्शंस को डिफाइन किया, फंक्शंस की वैल्यू फाइंड आउट की, फंक्शंस की डोमेन और रेंज फाइंड आउट की। आज उन फंक्शंस में कुछ उसकी टाइप्स में आता है जी, इवन फंक्शन और ऑड फंक्शंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले आए देखते हैं कि इवन फंक्शन कौन सा होता है। इवन फंक्शंस क्या है जी? अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी इवन। ए फंक्शन जो है वो इवन फंक्शंस कहलाएगा अगर उस फंक्शन में उसकी जो डोमेन है एक्स, उसको रिप्लेस कर दिया जाए माइनस एक्स के साथ, यानी एफ ऑफ माइनस एक्स, और वो इक्वल आ जाए अपने ओरिजिनल फंक्शन यानी एफ ऑफ एक्स के। अगर किसी फंक्शंस में उसकी डोमेन को रिप्लेस कर दे माइनस से और उस फंक्शन पर कोई फर्क ना पड़े, यानी एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के, तो ऐसे फंक्शंस क्या कहलाएगा जी? इवन फंक्शंस कहलाएगा। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ फंक्शन, ये जो एक्स है आपके पास क्या कहलाई? डोमेन कहलाई। यानी अगर किसी फंक्शंस में उसकी डोमेन को आप रिप्लेस कर दें माइनस के साथ और उस फंक्शन पे कोई फर्क ना पड़े, वो एज इट इज रहे, तो ऐसा फंक्शंस क्या कहलाता है? इवन फंक्शंस कहलाता है। फॉर एग्जांपल आए देखते हैं, मेरे पास एक फंक्शन है जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इस फंक्शन में जहां एक्स आपके पास डोमेन है, इसको रिप्लेस किया माइनस एक्स के साथ, एक्स रिप्लेस किया माइनस एक्स है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, इस एक्स की जगह पे जब माइनस दिया होल स्क्वायर, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस का स्केयर ऑलवेज पॉजिटिव, एक्स को स्केयर दिया तो एक्स स्केयर बना, यानी एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्केयर, दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के। तो आपने देखा इस फंक्शन में जहां एक्स को आपने रिप्लेस किया माइनस एक्स के साथ, तो आपका फंक्शन एज इट इज रहा। तो इस किस्म के फंक्शन क्या कहलाए गए? इवन फंक्शन कहलाएंगे। दूसरी एग्जाम्पल भी मेरे पास है जी, फंक्शन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। जब आप इस x को यानी डोमेन को रिप्लेस किया माइनस x के साथ, तो cos x एंगल को आपने रिप्लेस किया माइनस x से, तो cos का एंगल नेगेटिव होता है तो अभी वो पॉजिटिव कहलाता है, तो फंक्शन ऑफ माइनस x इज इक्वल टू cos x, यानी ये अपने ओरिजिनल जो फंक्शन है cos x उसके इक्वल आया। तो ऐसा फंक्शन जिसके डोमेन को आप रिप्लेस करें माइनस के साथ और वो फंक्शन इटसेल्फ रहे, तो सच फंक्शंस आर कॉल्ड इवन फंक्शंस कहलाएंगे। सेम इसी तरह से दूसरी हमारे पास टर्म यूज करते हैं जी ऑड फंक्शंस। तो व्हाट आर ऑड फंक्शंस? ऐसे फंक्शंस जिसमें उसकी जो डोमेन है अगर उसको रिप्लेस कर दें माइनस एक्स के साथ और रिजल्ट भी आपका माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाए, यानी डोमेन को अगर आप रिप्लेस करते हैं माइनस के साथ और ओरिजिनल फंक्शंस भी माइनस के साथ रहे, तो सच फंक्शन इज कॉल्ड ऑड फंक्शन। तो ऐसे फंक्शंस क्या कहलाएंगे? ऑड फंक्शंस। मेरे पास एग्जांपल है जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ये जनाब फंक्शन है, जब इस फंक्शन में हम डोमेन को रिप्लेस करते हैं माइनस के साथ, यानी एफ ऑफ माइनस एक्स विल इक्वल टू एक्स को रिप्लेस किया माइनस एक्स के साथ होल क्यूब, दैट इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब, यानी एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स के। तो ऐसा फंक्शन जिसमें एक्स की वैल्यू को माइनस एक्स कर दें और वो माइनस में इटसेल्फ आए, सच फंक्शंस आर कॉल्ड ऑड फंक्शंस कहलाते हैं। एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 9 और उसका फर्स्ट पार्ट मेरे पास है, डिटरमाइन द गिवन फंक्शन इज इवन और ऑड। जो दिए गए फंक्शन है वो क्या इवन है या ऑड है? तो गिवन फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स। हमने रिप्लेस किया एक्स को बाय माइनस एक्स के साथ, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू दिस इज एक्स रिप्लेस किया माइनस एक्स के साथ, दिस इज होल क्यूब प्लस एक्स रिप्लेस किया माइनस एक्स के साथ, तो दिस बिकम एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब प्लस माइनस माइनस एक्स, और माइनस जब कॉमन किया तो दिस रिमेन एक्स क्यूब माइनस मल्टीप्लाइड माइनस बिकम प्लस, तो माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स
ये फंक्शन आ गया आपके पास माइनस एक्स पर माइनस इटसेल्फ। तो ऐसा फंक्शन जिसको एक्स में आपने रिप्लेस किया माइनस एक्स के साथ और वो माइनस इटसेल्फ आया, तो गिवन फंक्शन इज कौन सा फंक्शन कहलाएगा? ये ऑड फंक्शंस कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर वन, उसका थर्ड पार्ट मेरे पास मौजूद है कि जब फंक्शन एफ ऑफ एक्स आपके पास गिवन हो और वो फंक्शन है जी एक्स इंटू स्केयर रूट ऑफ एक्स स्केयर प्लस 5 के साथ, तो क्या ये फंक्शन इवन है या ऑड है? कैसे पता चलेगा कि ये इवन है या ऑड है जी? एक्स को रिप्लेस करेंगे किसके साथ? माइनस एक्स के साथ। तो आइए देखते हैं किस तरह से ये इवन बनता है या ऑड बनता है। तो रिप्लेस किया एक्स को किसे? माइनस एक्स से। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू जी, आगे किस तरह से किया? एक्स एक्स रिप्लेस हुआ किसके साथ? ऑफ कोर्स माइनस एक्स के साथ। फर्दर आगे स्केयर रूट ऑफ एक्स स्केयर, जहां एक्स है उसको रिप्लेस किया माइनस एक्स के साथ, तो माइनस एक्स स्केयर प्लस 5 एज इट इज। सिंप्लीफाई किया, दिस इज माइनस दिस इज एक्स, नेगेटिव नंबर का जो पावर है वो इवन है, तो रिजल्ट ऑलवेज पॉजिटिव, दैट इज एक्स स्केयर प्लस 5 दैट इज स्केयर रूट। तो क्या रह गया जी? दिस इज माइनस एज इट इज, ये एक्स इंटू स्केयर रूट ऑफ एक्स स्केयर प्लस 5 किसके इक्वल है? दैट इज एफ ऑफ एक्स के। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। ये फंक्शन भी आपके पास कौन सा बना? ऑड फंक्शन आया। यानी एक्स को जब आपने रिप्लेस किया माइनस एक्स के साथ और वो फंक्शन माइनस इटसेल्फ रहे, तो दैट फंक्शन विल बी ऑड फंक्शन। सिमिलरली एक और क्वेश्चन भी है मेरे पास इसी क्वेश्चन से रिलेटेड, क्वेश्चन नंबर टू। फंक्शन है जी, फंक्शन एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू होल स्केयर में, चेक करना है क्या ये फंक्शन भी इवन है या ऑड है। तो इवन और ऑड का प्रोसीजर आपको बता चुका हूं। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू होल स्केयर, हमने इसको ओपन किया, दैट बिकम एक्स स्केयर प्लस 4x प्लस 4 के साथ। फर्दर प्रोसेस क्या है जी? रिप्लेस किया एक्स को माइनस एक्स के साथ, जहां एक्स था हमने रिप्लेस कर दिया, दिस इज एक्स स्केयर नाउ बिकम माइनस एक्स होल स्केयर प्लस एज इट इज 4 इंटू एक्स रिप्लेस हुआ माइनस एक्स के साथ प्लस 4 एज इट इज। नाउ नेगेटिव नंबर की पावर इवन है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाइड विद माइनस, तो माइनस 4x प्लस 4 एज इट इज। जब इसको क्लोज किया, दिस बिकम ए माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्म हुई, यानी एक्स माइनस टू होल स्क्वायर। क्या ये जो चीज बन के सामने आई एक्स माइनस टू होल स्क्वायर, क्या ये ओरिजिनल फंक्शन के इक्वल है? नो, क्यों नहीं है? क्योंकि वो एक्स प्लस टू होल स्क्वायर है और ये एक्स माइनस टू होल स्केयर है। मतलब क्या हुआ कि जब आपने एक्स को रिप्लेस किया माइनस एक्स के साथ और वो फंक्शन ना पॉजिटिव इटसेल्फ आ रहा है ना ही नेगेटिव इटसेल्फ आ रहा है, ना ही पॉजिटिव इटसेल्फ आ रहा है ना ही नेगेटिव इटसेल्फ आ रहा है, तो ऐसा फंक्शन जिसमें आप वेरिएबल को यानी डोमेन को चेंज करते हैं नेगेटिव के साथ और वो फंक्शन ना पॉजिटिव इटसेल्फ हो और ना नेगेटिव इटसेल्फ हो, तो ऐसा फंक्शन क्या कहलाते हैं? नॉट इवन नॉट ऑड। ना वो इवन होते हैं और ना वो ऑड होते हैं। तो ऐसे फंक्शन जिसमें डोमेन को रिप्लेस कर दे माइनस के साथ और वो फंक्शन ना नेगेटिव इटसेल्फ हो ना ही पॉजिटिव इटसेल्फ, तो ऐसे फंक्शंस क्या कहलाते हैं? ना इवन और ना ही ऑड। तो आज का लेक्चर बेटा इतना ही था, बहुत सिंपल बहुत आसान। तो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस आपने खुद करने हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह।